मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के साती आश्रम बगीची के पास की है, जहां पर थाना उत्तर क्षेत्र के संतोष नगर निवासी सुशील कुमार पुत्र भीमसेन अपने बच्चों को सती वाली बगीची इंदिरा कॉलोनी थाना रामगढ़ स्थित स्कूल में छोड़कर लौट रहे थे। बताया जाता है कि एक बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए थे, जिन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद दो राउंड गोली चलाई, जिससे युवक घायल हो गया। दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। अपने आप को घिरता देख बदमाश तमंचा फेंक कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने तमंचे को कब्जे में ले लिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार। सुशील, क्या क्या घटना घटी आपके? मुझे नहीं मालूम, मेरे गोली मार दी है पीछे से। कौन लोग? बच्चों को छोड़ के आ रहा था, स्कूल छोड़ने गए थे। हाँ, वो भी है, इंदिरा कॉलोनी में ये गोली मार दी है, दो तीन लोग, तीनों ने। कौन लोग थे जानते हैं आपने? ये आज सुबह थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उनको तत्काल ही जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया तथा इलाज चल रहा है। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। सर, मेरा नाम अनुपम गौतम। कौन सी जगह है ये? सजी आश्रम, रेफर रोड सजी आश्रम के। अच्छा, ये क्या बात हुई अभी? ये अकस्मात ये गाड़ी से जा रहे थे, तो हम लोग तो रोड पर रहते हैं, एकदम आया, दो बंदे आए थे हेलमेट लगा के, उन्होंने तमंचा ताना और गोली तो चला दी, तो बंदा भाई अपनी जान बचा कर। तो गोली किसी किस पर चलाई? ये सट्टा चौधरी बोलते हैं नाम, सत्ता उन पर चलाइए। पता लगा कौन लोग थे? नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा हम लोगों को क्या पता। तो कितने फायर किए हैं? दो फायर किए। और मतलब उन्हीं पर चलाइए और किसी बता रहे किसी महिला पर भी? एक महिला है, वो क्या है कि बच्ची जा रही थी स्कूल, उसको बचाव के चक्कर में उसको पकड़ लिया था, इसकी वजह से लड़की पर गोली नहीं चलाई और वो लोग भाग गए। भाग गए, ये नहीं पता लग रहा कौन लोग हैं? नहीं नहीं। कितनी देर पहले की घटना है ये? अभी 20 मिनट पहले की घटना है। थाना कौन सा लगता है? थाना रामगढ़ लगता है इस साइड का, और इस साइड लगता है उत्तर थाना। तो जिनके गोली किसी लगी है वो कहाँ है? वो शायद हॉस्पिटल ले गए उसको। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।